गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का हमारा नया टॉपिक है, वो है हमारा हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स। हाँ जी, न्यू चैप्टर है हार्मोन्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ हार्मोन्स, रोल्स ऑफ हार्मोन्स, के हार्मोन के जो रोल हैं वो क्या क्या है हमारे शरीर के अंदर, उनके बारे के अंदर बारे में हम लोग जो है वो डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो पर्टिकुलर कुछ सिक्रेशन करती है, कुछ पदार्थों का स्त्राव करती है। वो जो पदार्थ है वो पदार्थ डायरेक्टली किसी ऑर्गन के साथ अटैच ना हो करके और कहां रिलीज कर दिए जाते हैं, उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। और जब ये ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है तो ब्लड में रिलीज करने की वजह से ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा चीज डेवलप नहीं करती है कि जिसकी वजह से, या फिर जैसा ऐसा हो कि पूरी बॉडी उससे इफेक्ट हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना पैदा करती है जो पर्टिकुलर एक अंग या ऑर्गन को क्या करती है, वो इफेक्ट करती है। क्लियर? तो जैसे कि हम बात करें कि बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो डिंब ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है? डिंब ग्रंथियां। और ये डिंब ग्रंथियां जो है वो पूरे अपने जीवन काल के अंदर मात्र इतना सा स्त्राव करती है कि जैसे कि एक जो डाक की टिकट होती है ना, आपने देखा ना डाक की टिकट, तो उस डाक की टिकट के वजन के बराबर, उस डाक की टिकट में कितना वजन होगा अब आप देख लीजिए कि उस डाक की टिकट की वजन के बराबर अपने पूरे जीवन काल में स्त्राव करती है। और वो जो स्त्राव करती है डिंब ग्रंथियां, वो स्त्राव कन्या को स्त्री में और स्त्री को माता के अंदर कन्वर्ट करने के काम में आता है। समझ में आया? बेसिकली देखा जाए तो डिंब ग्रंथियों के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? अंडों का फॉर्मेशन होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये अपने पूरे जीवन काल के अंदर एक डाक टिकट के बराबर जो है स्त्राव करते हैं, वही स्त्राव एक कन्या को स्त्री में कन्वर्ट करता है और एक स्त्री को किस में कन्वर्ट कर देता है? माता के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि परिपक्व महिला के अंदर उसको बदल देता है। दूसरा, यदि मैं बात करूं आपसे कि हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर ये जो हार्मोन्स हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? यानी इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी नली या वेसल्स नहीं होती है कि वो डायरेक्टली किसी ऑर्गन के थ्रू क्या हो, अटैच हो। क्लियर? ये जो ग्रंथियां हैं इनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है वो पूरी बॉडी के अंदर उत्तेजना पैदा करता है और पर्टिकुलर एक अंग को प्रभावित करता है, ना कि पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। तो इसीलिए इन ग्रंथियों को क्या नाम दिया गया? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर से होने वाले स्राव को किसके अंदर डाल देती है? ब्लड के अंदर डाल देती है। ठीक है? और इन्हीं ग्रंथियों को नाम दिया जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनमें किसी भी प्रकार की वेसल्स का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स को छोड़ करके। कैपिलरीज का नाम सुना है ना, तो वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो तो पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक ऑर्गन के अंदर ब्लड कैपिलरीज जाती है, क्योंकि ब्लड का यदि सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, यदि ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज नहीं होगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वो ऑर्गन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? या हम कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो है वो हमारे पास दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक होती है अस्थाई ग्रंथियां और एक होती है स्थाई ग्रंथि। जैसे हमारे शरीर के अंदर मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन। और ये जो है पिट्यूटरी हार्मोन, ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है, हर एक ग्लैंड को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जिसको बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है? थायराइड। पैनक्रियाटिक हार्मोन, कौन से किसके द्वारा सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज के द्वारा। बाइल जूस जिसको अपन बोलते हैं पित्तरस, वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? किसके द्वारा? अरे लीवर के द्वारा। किसके द्वारा?
हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और लीवर के द्वारा सिक्रेट होने वाला जूस क्या कहलाता है? बाइल जूस, जिसको अपन कहते हैं पित्तरस। समझ में आया? अब देखिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो ग्रंथि है वो कहां उपस्थित होती है? गले के अंदर। और गले के अंदर ये गोइटर रोग जो हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं गलगंड रोग, क्या बोलते हैं? गलगंड, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जबकि पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि को भी कंट्रोल कर लेती है। क्यों करती है कंट्रोल? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है। और कहां प्रेजेंट होती है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क के अंदर। किसमें होती है? तो हेडिंग डालिए हार्मोन्स, कि हार्मोन किसको कहा जाता है। तो हार्मोन्स के बारे पहले हम सबसे पहले ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल एक लाइन तो लिखे कम से कम ग्रंथि की, कि ग्रंथि होती क्या है। तो लिखिए स्टार्स के रूप में लिखिएगा कि शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है, कुछ ऐसी शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा, जिनके द्वारा पदार्थ का या पदार्थों का स्त्राव होता है, पदार्थों का स्त्राव होता है एवं जिनमें कोई नलिका नहीं होती है, जिनमें कोई नलिका नहीं होती है, जिनमें कोई नलिका नहीं होती है एवं स्त्रावित पदार्थ को, स्त्रावित पदार्थ को सीधे ही रक्त में या रुधिर में या ब्लड में, रक्त में मुक्त करती है अंतः स्त्रावी ग्रंथियां, अंतः स्त्रावी ग्रंथियां या इसी का दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, इन ग्रंथियों द्वारा, इन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ, स्त्रावित पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। अब हार्मोन की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कि वे रासायनिक पदार्थ जो, जिनका निर्माण नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा होता है एवं सीधे ही कहां मुक्त कर दिया जाता है? रुधिर में स्त्रावित कर दिया जाता है, तथा जो अंगों की कार्यशैली को क्या कर देती है? नियंत्रित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए इसके हार्मोन की, कि वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, स्त्रावित होते हैं एवं सीधे ही रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं, रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं
तथा जो शरीर के अंगों की कार्यशैली को नियंत्रित करते हैं, कार्यशैली को नियंत्रित करते हैं हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट, वो है इंपोर्टेंस ऑफ हार्मोन, हार्मोन की महत्वपूर्णता। हेडिंग डालिए इंपोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि हार्मोन्स जो है इनकी इंपोर्टेंस क्या है, कि हार्मोन्स का पहला इंपोर्टेंस है कि ये निर्धारित करती है हार्मोन्स कि ये नर है या मादा है। जैसे कि हार्मोन्स, वो पहला हार्मोन डिंब ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है और डिंब ग्रंथियां हमेशा किसके पास होती है, महिलाओं के पास। तो डिंब ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन कन्या को स्त्री में और स्त्री को माता के अंदर यानी परिपूर्ण महिला के अंदर कन्वर्ट करती है। दूसरा एक औटु ग्रंथि का नाम सुना है, ठीक है। ये अवट ग्रंथि या औटु ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसकी कम सिक्रेशन की वजह से आदमी क्या रह जाता है, बोना, वामन, नाटा जिसको अपन बोलते हैं ना, वो हो जाता है, ठीक है। दूसरा शरीर का शारीरिक विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और यदि पीयूष ग्रंथि का सिक्रेशन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कम सिक्रेशन हो तो व्यक्ति मंद बुद्धि भी हो जाता है, समझ में आया। दूसरा इनके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो डायरेक्टली किसमें डाल दिए जाते हैं, रक्त में। तो ये रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, उत्तकों के अंदर और कोशिकाओं के अंदर। तो उत्तकों और कोशिकाओं के पास पहुंचेंगे तो कोशिकाओं की कार्यशैली को नियंत्रित करेंगे या नहीं करेंगे, नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो इनका काम क्या हो गया कि यानी कि मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास किसके द्वारा होता है, इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो लिखिए सबसे पहले स्त्रियों में डिंब ग्रंथि द्वारा, एक हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, जो कि कन्या को स्त्री में एवं स्त्री को किसमें करेगा, पूर्ण महिला में, पूर्ण महिला में रूपांतरित करता है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए कन्या को स्त्री में यानी मासिक धर्म चालू करवाएगा, दूसरा स्त्री को महिला में यानी किसका फॉर्मेशन करेगा, एग का फॉर्मेशन, अंडे के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, तभी तो महिला में कन्वर्ट होगी। दूसरा अब ये तो पूरे जीवन काल के अंदर कितना स्रावित होता है, एक डाक टिकट के वजन के बराबर हार्मोन स्रावित होता है, क्लियर। आगे वाला देखिए नेक्स्ट, अवट ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, अवट ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन व्यक्ति के शारीरिक विकास
व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन की कमी से बोनापन नजर आता है। और आपको तो ये भी चीज पता है कि यदि 10 आदमियों में कोई व्यक्ति यदि छोटा है तो वो नजर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कि जिधर देखूं बस उधर तेरा ही चेहरा नजर आता है, तो जिधर देखूं उधर वामन यानी बोने ही बोने नजर आते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली कहां सिक्रेट हो जाते हैं, कहां पर, अरे कहां सिक्रेट होते हैं, जल में नहीं ब्लड में, हाँ जी। तो हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर में उत्तकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचकर उनके कार्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट, कि पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेट हार्मोन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, यानी पूरी जो बॉडी है उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो लिखिए नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है अतः पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हार्मोन्स की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, पहली विशेषता क्या है कि हार्मोन का अणुभार बहुत ही कम होता है। नंबर सेकंड, हार्मोन सीधे ही रक्त में स्त्रावित किए जाते हैं, नंबर थर्ड, हार्मोन आसानी से कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं,
आसानी से कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स। हेडिंग डालिए अंतःस्रावित ग्रंथियां, अंतःस्रावित ग्रंथियां एवं उनसे स्रावित हार्मोन। ठीक है, अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरा कौन सा है? स्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो फर्स्ट पार्ट लिखिए स्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर स्थायित्व लगते हैं। जैसे अपने पास में थाइमस ग्रंथि है, प्लेसेंटा है, ठीक है, पीनियल बॉडी है, ये तीनों की तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो लिखिए इसमें थाइमस ग्रंथि, दूसरा है पीनियल बॉडी, तीसरा है प्लेसेंटा, ठीक है, और बी पर है अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां, अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें कौन सा आएगा? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। दूसरी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, समझ में आ रहा है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन हर बार सीक्रेट नहीं होता है, ये उसी टाइम एक्टिवेट होती है जब हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाता है। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए तभी ये होती है। पिट्यूटरी लिखिए, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, दूसरी कौन सी है? टेस्टिस, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, जब भय अवस्था होती है ना, जब डर लगता है, ठीक है, तो उस समय हमारे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्लियर है यहां तक? नहीं दिख रहा क्या? ये लो। ठीक है, तो ये हमारे पास में थी दो प्रकार की ग्रंथियां, अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां और स्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनके द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन्स हैं वो लगातार बॉडी में सीक्रेट होते रहते हैं, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन के ऊपर ही क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। जैसे भय लगता है, डर लगता है, तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन होगा? पिट्यूटरी। लेकिन ये भी दो तीन प्रकार के होते हैं, पैराथायराइड, पैराथार्मोन, और ये पढ़ेंगे अपन आगे। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे अस्थावी अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अब एक एक ग्रंथि के द्वारा हम देखेंगे कि वो ग्रंथि की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है शरीर में, कौन से हार्मोन का वो सिक्रेट करती है, हार्मोन की कमी से क्या होता है, हार्मोन की अधिकता से क्या हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि कहां उपस्थित होती है? गले में। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। किसकी रोकथाम के काम में आता है? गलगंड रोग या गोइटर रोग के। तो इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।